हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक पोयम, द लेडी ऑफ शैलट। द लेडी ऑफ शैलट पोयम जो है ये लिखी थी ए एल टेनिसन ने, जो कि एक विक्टोरियन पोइट रहे हैं। द लेडी ऑफ शैलट ये एक रोमांटिक बैलेड है, एक नैरेटिव पोयम है ये, और इसमें चार पार्ट्स हैं। फोर पार्ट्स में ये पोयम डिवाइडेड है, और इस पोयम की जो स्टोरी है वो ट्रेजिक लव स्टोरी है ऑफ एलन की। एलन, जिसको कि एलन ऑफ एस्थेलेट भी कहा जाता है। एस्थेलेट जो है एक प्लेस का नाम है जिसको राइटर्स सैलेट लिखा करते थे अपने वर्क में, तो इसीलिए ये शैलेट ही लिखा जाता है। और एलन द एलन ऑफ एस्थेलेट, इसके ऊपर काफ़ी वर्क हो चुके हैं, काफ़ी वर्क इसके ऊपर जो है राइटर्स ने किए हैं, लिखे हैं। तो शैलेट जो है इसमें जो यूज़ हुआ है ये एक आइलैंड का नाम है जिसका रियल नाम एस्थेलेट है, लेकिन राइटर उनको सैलेट लिखा करते थे। पोयम एक इस सिंबलिक टेनिसन हैज़ रिटन टू वर्जन ऑफ दिस पोयम। इस पोयम के दो वर्जन टेनिसन ने लिखे थे। जो सबसे पहला वर्जन उन्होंने लिखा था वो 1833 में पब्लिश हुआ था, और उसमें 20 स्टेंजास थे। फिर टेनिसन ने इसका एक और वर्जन लिखा और वो पब्लिश हुआ था 1842 में विद 19 स्टेंजास। जो सेकंड वर्जन था उसकी एंडिंग जो थी वो थोड़ी क्लियर थी और वो ज़्यादा फेमस था, तो इसीलिए वही जो वर्जन है, जो सेकंड वर्जन है वही ज़्यादा फेमस था और उसको ही लोग पढ़ते हैं क्योंकि उसकी क्लैरिटी है उसकी एंडिंग में। और ये जो पोयम उन्होंने लिखी थी इसके लिए उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी एक शॉर्ट प्रोज पीस से, डोना दी स्केलेटा। डोना डी स्केलेटा से जो है उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी और तब उन्होंने ये पोयम लिखी थी, द लेडी ऑफ शैलेट। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम द लेडी ऑफ शैलेट। 1842 वाला वर्जन है ये। चार पार्ट इस पोयम में हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो पोइट है वो हमें जो कैमलेट और शैलेट दो महल हैं उनके बारे में हमें बताता है, उनके आसपास की सीनरी कैसी है उसके बारे में जो है फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन आइदर साइड द रिवर लाई लॉन्ग फील्ड्स ऑफ बार्ले एंड ऑफ राई डैट क्लोथ द वर्ल्ड एंड मीट द स्काई एंड थ्रू द फील्ड द रोड्स रन बाय टू मैनी टावर्ड कैमलेट। तो यहाँ पर वो कैमलेट के बारे में बता रहे हैं। वो बताते हैं कि ऑन आइदर साइड की दोनों ओर हर तरफ द रिवर एक नदी है जो बह रही है और उसके दोनों ओर आइदर साइड दोनों तरफ द रिवर लाई क्या है उसके दोनों तरफ लॉन्ग फील्ड्स बड़े बड़े खेत किसके ऑफ बार्ले जो के एंड ऑफ राई और राई के। राई एक तरह का ग्रेन ही होता है जिसका आटा बनता है जो पशुओं को खिलाया जाता है, और ये जो है जो कोल्ड जो मतलब सिटी होती है जो कोल्ड रेन होते हैं उसमें जो है ये उगता है। तो वो कहते हैं कि एक नदी है, एक नदी बह रही है और उसके दोनों ओर बड़े बड़े खेत हैं, बहुत लंबे लंबे बहुत दूर तक फैले हुए खेत हैं जो के और राई के। डैट क्लोथ द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने कपड़े पहना दिए हों द वर्ल्ड उस खुले मैदान को, जो खुला मैदान है उसके ऊपर जो खेत बने हुए हैं उसके ऊपर जो बार्ले और राई के जो प्लांट्स उगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है मानो उसने कपड़े पहन रखे हो। एंड मीट द स्काई, और अगर वहाँ से देखो तो दूर दूर तक खेत फैले हुए हैं, इतनी दूर दूर तक खेत फैले हुए हैं कि अगर उनको जो देखने लगो तो ऐसा लगता है मानो वो आकाश से मिल रहे हों। एक जो क्षितिज लाइन होती है, जो होरिजन लाइन होती है, जहाँ पर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिले हुए हों, तो उन खेतों को देखकर भी ऐसा ही लगता है क्योंकि वो जो खेत है वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। एंड थ्रू द फील्ड, और उन्हीं खेतों से होकर द रोड रन्स बाय, एक सड़क गुजरती है टू मैनी टावर्ड कैमलेट। और वो सड़क कहाँ जाती है, वो सड़क जाती है कैमलोट में, कैमलोट जिसमें बहुत सारे टावर्स हैं, बहुत सारे टावर्स वाले कैमलेट शहर की ओर जो है वो सड़क जाती है। एंड अप एंड डाउन द पीपल गो, और ऊपर और नीचे लोग जो हैं वो वहाँ से
जाते हैं, यानी कि जिस तरह के भी रास्ते हैं अप एंड डाउन के जो वहाँ का रास्ता है उससे होकर जो है लोग गुजरते हैं उस रोड पर गेजिंग, और वो देखते हैं वेयर द लिलीज ग्लो, वहाँ पर जहाँ पर जो लीली के फूल खिले हुए हैं। राउंड एंड आइलैंड, एक आइलैंड के चारों ओर, वहाँ पर जो है एक आइलैंड है जिसके चारों ओर लिलीज के फूल खिले हुए हैं। देयर बिलो द आइलैंड ऑफ शैलट, और वो आइलैंड किसका है, वो आइलैंड है शैलट का। शैलट का आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारे लिली के फूल खिले हुए हैं और आते जाते हुए लोग उसको देखते हैं। विलोस वाइटन एस्पेन स्क्वेयर, विलोस जो विलो का पेड़ होते हैं, विलो के एक पेड़ होता है ये भी, तो वाइटन सफ़ेद कलर के जो विलो के पेड़ हैं। एस्पेंस कीवर, एस्पेंस भी एक तरह का पौधा ही होता है, क्वियर ऐसा लगता है मानो वो कांप रहा हो। वो कांपता कब है, लिटिल ब्रिजिस, जो हल्की हल्की जब हवा चलती है, जब हल्की हवा चलती है तो हवा के साथ साथ जो है वो पौधा हिलता है, तो ऐसा लग रहा है मानो वो कांप रहा हो। डस्क एंड शीवर थ्रू द वेव डेट रन्स फॉर एवर बाय द आइलैंड इन द रिवर फ्लोइंग डाउन टू कैमलोट, और जब वो हवा चलती है तो ऐसा लगता है डस्क, यानी कि धुंधली, जैसे शाम का समय होता है तो धुंधला सा हो जाता है जब हल्की हल्की सी हवा चलती है। एंड शीवर, और कांपने लगती है, क्या कांपने लगता है, थ्रू द वेव, जो पानी की, जो नदी की का पानी है, जो नदी की धाराएं हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जब उस पर हवा गुजरती है तो वो थोड़ी थोड़ी सी जो है ऐसे हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो कांप रही है। डेट रन्स फॉर एवर, वो नदी जो कि हमेशा बहती रहती है। बाय द आइलैंड इन द रिवर, उस आइलैंड की ओर, फ्लोइंग डाउन टू कैमलोट, मतलब उस आइलैंड से वो कैमलेट की ओर जाती है। कैमलेट का जो महल है वो नीचे है और जो आइलैंड है शैलट का वो ऊपर है, तो उस आइलैंड से होकर वो फ्लाइंग डाउन नीचे की ओर कैमलेट की ओर वो नदी जा रही है, और उसके दोनों ओर जो है वो खेत बने हुए हैं। ये शैलट का आइलैंड है और ये कैमलेट शहर है, और इसके दोनों बीच में जो है नदी बह रही है, और इसके दोनों ओर बहुत बड़े बड़े खेत हैं। फोर ग्रे वॉल्स एंड फोर ग्रे टावर्स, अब वो जो है शैलट का जो आइलैंड है वहाँ पर के बारे में बता रहे हैं कि चार ग्रे कलर की दीवारें हैं और चार ग्रे कलर्स के टावर्स हैं। ओवरलुक ए स्पेस ऑफ फ्लावर्स, और ओवरलुक ए स्पेस, वहाँ पर जो है बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे फूल वहाँ पर खिले हुए हैं। एंड द साइलेंट आइल इम्बावर्स, इम्बावर्स अपने अंदर कैद कर लेना, अपने अंदर रख लेना, द लेडी ऑफ शैलट, और वो जो साइलेंट आइल है, जो आइलैंड जो बिल्कुल शांत है, जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं सुनाई देता, कोई शोर शराबा नहीं है, उसने अपने अंदर कैद करके रखा हुआ है द लेडी ऑफ शैलट, द लेडी ऑफ शैलट को, जो कि हमारी इस पोएम की मेन कैरेक्टर है। By the margin willow wailed, slide the heavy barges trailed by slow horses and unhailed the shallop fleeteth silken sail skimming down to Camelot. By the margin, जो नदी है उसके किनारे किनारे, बिल्कुल मार्जिन पर उसके, willow wailed, willow के जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं और ऐसा लगता है मानो उन्होंने पर्दा कर दिया हो, जैसे पर्दे की तरह, जैसे पर्दा लग जाता है दीवार के चारों, दीवार के आगे, तो उसी तरह से जो है ऐसा लग रहा है कि नदी के दोनों ओर जो विलो के पेड़ खड़े हुए हैं उन्होंने नदी का एक तरह से पर्दा सा कर दिया हो। स्लाइड, स्लाइड मतलब सरकती है, धीरे धीरे चलती है। द हैवी बार्जेस, हैवी मतलब भारी, बार्जेस नाव होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बार्जेस गाड़ी का जो मीनिंग है वो गाड़ी से लगाया जाएगा। ट्रेल, क्योंकि उनको खींचा जा रहा है बाय किसके द्वारा, स्लो हॉर्सेस, धीरे धीरे चलने वाले घोड़ों के द्वारा। हैवी बार्जेस है, भारी गाड़ियां हैं जिनमें सामान लदा हुआ है, बहुत सारा सामान जो है उन गाड़ियों में होता होगा, जिससे वो बहुत हैवी हो गई हैं और वो धीरे धीरे सरक रही हैं, क्योंकि उन्हें जो है धीरे धीरे जो है घोड़े वो खींच कर लेकर जा रहे हैं। एंड अनहेल्ड, अनहेल्ड होता है मतलब हेल तो होता है जैसे हम किसी का स्वागत करते हैं, अनहेल्ड होता है जिसका कोई स्वागत नहीं करता, जो मतलब अपने आप ही चलती रहती हैं। द शैलोप, शैलोप खुली नाव जो होती हैं, फ्लीटित तैरती रहती हैं, सिल्किन जिसका सिल्क का शेल, सेल होता है,
जो एक पतवार होती है नाव की, तो वो सिल्क की पतवार जो है उसकी है। ऐसी शैलोप, ऐसी छोटी छोटी नाव स्कीमिंग डाउन टू कैमलोट, कैमलोट की ओर बहती रहती हैं। बट हु हैज सीन हर वेव हर हैंड और एट द केसमेंट सीन हर स्टैंड। बट हु मतलब किसने, हैज सीन देखा है हर उसको, हर जो है यहाँ पर लेडी के लिए आया है, लेडी ऑफ शैलेट के लिए, कि जो वो लेडी है शैलेट की, क्या कभी किसी ने उसे देखा है कि उसने अपने हाथ हिलाया हो, या फिर एट द केसमेंट खिड़की पर सीन देखा गई हो हर उसको स्टैंड खड़ा हुआ, क्या कभी किसी ने उसे अपनी खिड़की पर खड़ा हुआ या हाथ हिलाते हुए देखा है। और इज शी नोन इन ऑल द लैंड, या फिर केवल पूरे लैंड में द लेडी ऑफ शैलेट, वो द लेडी ऑफ शैलेट के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब ये है कि उस लेडी को कभी किसी ने नहीं देखा, बस माना जाता है, जाना जाता है कि यहाँ पर कोई लेडी रहती है, और उसका नाम भी किसी को नहीं पता, सब उसे द लेडी ऑफ शैलेट कहकर ही बुलाते हैं। और उसके बारे में पता कैसे चला, क्योंकि किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन ओनली रीपर्स, जो रीपर जो फसल काटते हैं, रीपिंग अर्ली सुबह के समय, जो बहुत जल्दी सुबह के समय फसल काटते हैं, इन अमंग बीच में द बियर्डेड बार्ले, उन जो के खेतों के जो भरे हुए हैं, भरे हुए जो के जो खेत हैं उनके बीच में जो रीपर्स हैं जो फसल काटते हैं सुबह के समय, हियर ए सॉन्ग, एक गाना सुनते हैं डेट इकोज, जिसकी आवाज़ आती है चीयरली, खुशी खुशी, फ्रॉम द रिवर वाइंडिंग क्लियरली उस नदी की तरफ से, हवा के साथ साथ, जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ एक बहुत सुंदर गाने की आवाज़ जो है रीपर्स को सुनाई देती है, जो कि नदी के उस ओर से आती है, उस आइलैंड से आती है। तो इसलिए पता है डाउन टू टावर कैमलोट, उस नदी की ओर से जहाँ जो कि कैमलेट की ओर बहती है, कैमलोट की ओर बहने वाली नदी के तरफ जो आइलैंड है वहाँ से एक क्लियर सी आवाज़ आती है गाने की, वही जो है रीपर्स ने सुनी है। एंड बाय द मून, और शाम के समय द रीपर वेरी, जब वो फसल काटने वाले जो हैं वो थक जाते हैं, पीलिंग शीव्स वो बांधते बांधते जो उन्होंने फसल काटी है तो उनको जो वो बांध कर गट्ठे जो उनके लगाते हैं, इन अ प्लांट्स एरी, उस मैदानों में, उन खेतों में, लिसनिंग, वो उन आवाज़ को सुनते हैं, यानी कि सुबह के समय और शाम के समय जो है उन्हें गाने की आवाज़ सुनाई देती है। विस्पर्स, वो जो है आपस में एक दूसरे से कहते रहते हैं, एक दूसरे के कानों में बोलते हैं या धीरे से बोलते हैं, दिस द फेरी लेडी ऑफ शैलेट, कि ये वही फेरी है, ये वही परी है, लेडी ऑफ शैलेट, जो लेडी ऑफ शैलेट कही जाती है, यानी कि ये जो आवाज़ है ये उसी परी लेडी ऑफ शैलेट की है, क्योंकि लेडी ऑफ शैलेट को किसी ने नहीं देखा तो वो जो है सिर्फ उसकी आवाज़ सुनते हैं और वो इसीलिए उसे फेरी बुला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पार्ट वन ख़त्म होता है।